यो हो हाम्रो गोभी, यहाँ क्र्याब्स छ, पानीहरू छ, के खानेकुरा रहेछ। और आज हाम्रो बनाउने हो मोमो। मोमोको लागि रेडी हो, अब म रेडी गर्छु यसले। यो हो प्याज अनि गोभी हाम्रो। आज मोमो बनाउनेको कुरा छ हाम्रो, मोमो बनाएर खाने भनेर। अनि चिकन किमाको लागि भनिदिएको छ, अहिले एकछिनमा गएर लिएर आउने। अनि यसले म सफा गर्छु अब मजाले छिलछाल पारेर। आप लोग लग रहा होगा कि मैं रो रहा हूँ। ये प्याज काटते समय ऐसा होता था, इतना प्याज काटा। ओह माय गॉड, देखो मेरा आँख। किस किस को प्याज काटते वक्त आँख से ऐसा पानी नहीं आते, नहीं रोते, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना। अभी इस प्याज को हम थोड़ा सा पानी में देंगे, तब जाके हल्का होने तो बना नहीं सकेगा, कठिन नहीं सकेगा उसको ज़्यादा, है ना। यो हो मेरो सुपको लागि रेडी, चिकनको हड्डी। अनि यसमा हालेँ चाहिँ मैले लसुन कुटेर, अनि टिम्बुर हो, अनि खोर्सानी, नमक, अनि प्याज चाहिँ पछि हाल्छु। सो यो चाहिँ सुपको लागि हो, एकदमै सिम्पल, मजा आउँछ खानु। यो हो हाम्रो किमा आजको। यहाँ छ मोक्टो, यहाँ छ रोटी, अब मोमोको डो रेडी, अब हामीले बनाउनु लागेको। यो हो हाम्रो मोमो जो कि पाकेर रेडी भइसकेको छ, चिकन मोमोस। यो बदामको चटनी हो, बदामको चटनी नेपाली स्टाइलमा। यो सुप हो, यसमा चाहिँ मैले हल्का टिम्बुर, लसुन, खोर्सानी अनि नमक हालेको छु हो। चिकनको सुप क्या दामी, अनि सुक्खा खोर्सानी अलिकति हालिदिएको छु मैले, हो दामी हुन्छ नि। भरियो रह मेरो प्लेट आजको। अनि हाम्रोमा कोक छ, कोक। यो गाइस, सो मोमो पाकेर रेडी भइसक्यो, अब हामीहरू खानु गएको। ओ माई लर्ड, यो हेर्नु मोमो, टन्टनान, दामी छ है मोमो। यो बादामको अचार हो नेपाली स्टाइलमा। अनि यहाँ छ मेरोमा सुप हो, कोक। खानुपर्छ ल गाइस, इन्जोय गर्नु होला। मजा भएछ, मुखमा पानी आइसक्यो। फर्स्ट बाइट, ढाकेर राखौँ न, आउँछ नि। चटनीमा नमक जग्गा गर्नु जस्तो लाग्दैन, सुप चाहिँ एकदम सिम्पलमा बनाएको, ज्यादा झाङझुङ चाहिँ जाम नभयो। दामी, सुप कस्तो दामी भएछ। टिम्बुर हालिदिएको थियो कि अलिकति, यो डिजाइन चाहिँ मनुले बनाएको, यो डिजाइन चाहिँ मैले बनाएको। समझ्यो, समझ्यो, समझ्यो न। आयो
या गाइस अनि बेलुका हामीले खायो चटपटे जो कि मुरी झालमुरी बनाउँछ नि हो त्यो मज्जाले खायो पिरो गरेर तर यसमा हामीले आलु मिसाएन अनि योसँग थियो हाम्रो पास कोक्स जो कि एउटा सानो एउटा फ्री पनि पाउँदो रहेछ हो कम्पनी तर्फबाट त्यो चाहिँ हामीले फ्रिजमा राख्यो अनि यो चाहिँ हाम्रो ग्लास कोक खाने ग्लास हो मेरो नमन्नुको अनि दिदी त खानुहुन्न भने हो अनि मैले हल्काले ढक्कन खोलेर अनि ग्लासमा कोक हालेँ हो हालिदिएर फेस गरेर पुरा निस्केर आउँछ नि त अनि त्यो चाहिँ मतलब नआउनुको लागि आरामले बिस्तारै गरेर हालेको समझमा त आयो होला सो हाम्रो दुई ग्लास रेडी भयो अनि म र मनु चाहिँ पिउनुको लागि खानुको लागि एकदमै मजाले रेडी भइरहेको थियो क्या अनि मनु पनि त्यहाँ आइरहेको थियो सो हामीले चेस गरेर खायो आजको मौसम इतना अच्छा मैले गद्दा सुका दिया म्याट्रेस कम्बल भी सुखा दिया वहाँ स्कूटी भी सुख रहे यहाँ गाड़ी भी सुख रहे बहुत बढ़िया मौसम है आज गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सो वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग आज का मौसम इतना अच्छा है ना सुबह सुबह आज थोड़ा जल्दी उठ गया हम 8 बजे उठ गया था छुट्टी के दिन तो घर में आने से भी या वहाँ रूम में रहने से भी लेट ही उठता हूँ पर आज थोड़ा जल्दी उठ गया मौसम अच्छा था सो आँख पर फुला फुला है क्योंकि रात को बहुत लेट से सोया था ना 1:30 तरफ सोया था अभी ब्रेकफास्ट खाएगा उफ ब्रेकफास्ट में क्या है स्पेशल कल का मोमो इतना ज़्यादा मोमो बनाया था और बच गया था बहुत ज़्यादा तो वो ही मोमो खाएंगे रात को डिनर भी नहीं खाया और कल का दिन तो मेरा ऐसे ही चला गया पूरा व्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाया तो अभी ब्रेकफास्ट खाएंगे अभी हम खा रहे ब्रेकफास्ट जो कि कल का मोमो बहुत ज़्यादा था तो ब्रेकफास्ट में आज मोमो हो रहे हम लोग अभी इसको बातचीत करना पड़ेगा ना यह मिर्चा का अचार बन रहा है अभी पाउडर है माछा हालेर मच्छी डाल के पाउडर बनाएर ये मच्छी छोटा छोटा वाला जो कि दीदी का फेवरेट है वो तेल हाँ मिठो बनाए तो खोर्सानी को फिर टिकूंगा चंदन संपत्ति मलाई चख माया देव मलाई चख माया देव ब्रेकफास्ट हो गया अभी फ्रूट खा रहा इट्स टाइम टू फ्रूट टाइम मेरे चुल पूरा कस्तो भयो एप्पल फेक्दै हँसलाई खान अब जिन्दगी जिने क्या मजा हेर्नुहोस् थाहा पाउँछ जिन्दगी जिन यता मुस्किल लाग्दैन जिनेको मान्ने गर्दै दिदी नै हो रे मिर्चीको जिन्दगी जियो अभी एप्पल खाएगा सो या गाइस आज का ब्लॉग इतना ही था कल का और आज का मिला के हो सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे बाय बाय और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना सकते हम